अभी हम लोग निकल रहे हैं ईटानगर जाने के लिए। मेरा पास अभी अभी बन के रेडी है, तो सडन प्लान हो गया। आई थिंक 3 बजने वाले आज भी, यस 2:30 पार हो गया है। एंड भाभी का जो एंट्री पास है उसका रिन्यू नहीं हुआ है, तो हम चल के थोड़ा पुलिस भैया लोग को बोलेंगे कि जाने दो। अगर जाने दिया तो हम ईटानगर तक जाएंगे, अगर जाने नहीं दिया तो हम घूम फिर के वापस आ जाएंगे। तो वही प्लान है आज का। सो निकल रहे हैं, बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया है। हम लोग ने बाई चांस के लिए एक बैग भी पैक किया है कि अगर ऐसा हो कि हमें रहना पड़ जाए, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3 बज गए, तो कल हम लोग को फिर सामने में बर्थडे में जाना है। नहीं, कल आएंगे ना हमें, हाँ कल वापस पे आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या आ रहे हैं। और एक बैग हमने पैक किया, बाई चांस अगर स्टे करना पड़े तो उसके लिए, और नहीं करना पड़ेगा तो वो बैग आके फिर अनपैक हो जाएगा। और यहाँ भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, तो ये बैग रेडी है। माय गॉड, इतना भारी पानी बोकी बोकी। मेरा हैंडबैग इतना भारी हो जाता है ना, मतलब अधिक का पानी, रियांस का पानी, पानी पानी, फिर एप्पल, ये सब चीज़ ले लेंगे। भाउजो तो टिफिन कहाँ हाल हुआ, हाल दिन हुआ चाकू छो अब यहाँ हाल नहीं, हाल नहीं एप्पल ले कुछ अच्छे बॉक्स हो गया तो बैठ देना। हाँ ठीक है, तो चलिए अगर अरुणाचल जाना हुआ तो, अरुणाचल मतलब अगर ईटानगर जाना हुआ तो आपको भी दिखाऊंगी, अगर नहीं जाना हुआ तो बंदर दो घुमा के लेके आ जाऊंगी। तो वॉच, तो हम गए हैं एंड अभी अभी फ़ोन भी कर दिया कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे के लिए फ़ोन कर दिया, मतलब जिनको मिलने जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं था कि वो घर पे है कि नहीं है, तो अभी कंफर्म हो गया सब घर पे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि गेट्स में एंट्री मिलेगा कि नहीं। एंड मेरा चूहा देखो यहाँ कैसे छुपा हुआ है, क्यों छुपा हुआ पता है आपको, क्योंकि यहाँ इसका आँख में धूप गिर रहा है, और इसको मैंने दिया था चश्मा पहनने के लिए, ये चश्मा खोल के यहाँ छुप के बैठा हुआ है। किस किस का बच्चा ऐसा करता है प्लीज़ बताना, देखो ये चूहा ऐसा। एंड रियाज आज कौन है सामने, कल इसका बहुत बदमाशी हो गया था, पीछे भाभी को बिठाया था, आज मैं आके बैठी हूँ। सो यहाँ पे पास प्रिंट आउट कर लिया है ये दादा ने, कल बनाने के लिए दिया था, मेरा आज आ गया। इधर है चुके हैं गेट, दिखाते हुए कैसा होते हैं गेट। दादा दरवाजा खोल दो, चाइल्ड लॉक करके रखा है यहाँ पे। तो ये गेट है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, वहाँ पे पुलिस लोग बैठे हैं, वहाँ जाके हम अपना पास लेंगे। हो गया काम, दिखा लिया कागज। भाभी का पास नहीं, रेडबुल 3 का 500 रुपया है, रेडबुल 3 का 500 रुपया। कोई बात नहीं, इतना हम लोग ने पार कर लिया है। भाभी का जो पास है ना, उसका जो डेट जो एक्सपायर हो गया था, जिसके लिए हम लोग को 3 ठंडा पिलाना पड़ा, शायद रेडबुल है कुछ। तो वही था। एंड जो अंकल थे उसमें से एक, वो मेरे फ्रेंड के पापा ही निकले, मेरे फ्रेंड भी यहाँ थे, भैया बोल रहा था, अभी तो नहीं मिलना हुआ, जाते वक्त देखती हूँ, अगर मिलना हुआ तो अच्छा है। एंड दूसरी बात है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब ये अरुणाचल घुसने के टाइम पे जो ये पास वाला सिस्टम है ना, वो इतना मुझे नहीं लगता, वो नहीं लगता है, क्योंकि एंड ऊपर से हम लोग तो अरुणाचल में ही पढ़ के बड़े हुए हैं, तो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अरुणाचल से है, तो कोई कोई जो नए भैया लोग आए हैं उनका तो एटीट्यूड देख के ऐसा समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ गलती कर दिए यहाँ घुस के, मतलब ना ऐसा लगता है कि टेररिस्ट वाला जगह पर घुस रहे हैं, जबकि इतना प्यारा जगह है। तो ये चीज़ को थोड़ा एक्सक्यूज़ करना चाहिए, या फिर द वे दे टॉक वो बहुत अच्छा होना चाहिए, या मिनिमम अमाउंट में मुझे लगता है, अभी एक पास अगर आप बनाओ 1 मंथ के लिए होता है वो वैलिड, लेकिन 1 मंथ शायद ही कोई लोग घूमते हैं, जो एकदम टूरिस्ट टाइप के लोग हैं वो लोग ही 1 मंथ के लिए यहाँ तक आते हैं। मैं 1 टाइम हूँ, एंड ऊपर से अगर मैं यहाँ से पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे ये चीज़ एक्सक्यूज़ मिलना चाहिए, मतलब ये मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए कि हाँ अगर आप यहीं पर पढ़े लिखे हो या आपके पापा यहीं पर जॉब करते, तो हम लोग को एटलीस्ट पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा ना। देखो जिसको अपना घर सोच के बड़े हो गए, अभी मैं बच्चा होकर बच्चा की माँ बन गई हूँ, जिसको अपना घर सोचा, अभी अपने घर में जाने के लिए आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, वो भी ऐसा नॉर्मल वाला नहीं, वोटर आईडी वो सब नहीं, एक अलग से पास बनाना पड़ता है जो मैंने आपको दिखाया। तो जो भी हो अभी जो चल रहा है उसको मैं अकेले तो चेंज नहीं कर सकती, जस्ट आई एम गिविंग माई थाट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर जो भी हो, उस तो हम गए आएंगे तो हम वैसे भी अगर पास ये रिन्यू करना पड़ता वेट करके, वो भी हम कर लेते, तो उनको बोला है कि हम जाते वक्त रिन्यू कर लेंगे। तो यही था, अभी एंटर कर लिया है अरुणाचल, मतलब ईटानगर साइड। अरुणाचल तो बहुत अलग अलग जगह फैला हुआ है, तो एंड मेरा पास तो काम आएगा, क्योंकि हम जीरो भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो 2 जगह पे काम आ जाएगा। और एक एक पास बनाने कितना है दादा चार्ज यहाँ पे, 200 रुपये, मतलब ऑनलाइन करना।
लोग किसी को करवा दो बोलने से भी 300 हो जाते हैं वो। तो वही है, तो कोई अगर अरुणाचल विजिट करना चाहते हैं तो पहले ऑनलाइन पास अप्लाई कर लीजिए ताकि ये सब लफड़ा वफड़ा ना हो। तो वैसे तो मैं भी कर ही सकती हूँ, मैं करके आई हूँ, आपको मैंने दिखा दिया कागज, लेकिन जस्ट इन थॉट, जैसे कि मैं लखीमपुर तक आई थी, मन हुआ अरुणाचल विजिट करने को, तो कुछ कुछ चीज़ अगर है, स्कूल डॉक्यूमेंट्स यहाँ से पड़ा हुआ है तो दे देना चाहिए। मैं अगर पुलिस होती तो दे देती। मजाक कर रही हूँ, ठीक है चलो मिलती हूँ आगे, आपको लेके चलती हूँ। कल की बात पुरानी। ब्रेक थोड़ा, भैया मेरा भैया थोड़ा तेल भी भरा लेगा एंड थोड़ा वॉशरूम भी हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि आधा रास्ता आ चुके हैं। सो गाइस तो अभी हम पहुंच चुके हैं नाहरलगन में एंड रास्ता का हालत देखिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह पे, तो धूल का तो मत बोलिए, धूल ही धूल था, मतलब धुंधला दिख रहा था थोड़ा दूर दूर का। तो यहाँ हम पहुंच गए एंड नाहरलगन पहुंचने के बाद ना बहुत ही अजीब सा फील हुआ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ शादी से पहले मैं यहाँ पर एक स्कूल में जॉब करती थी, तो ये एरिया बहुत ही मतलब बहुत एक साल कम से कम तो कुछ टाइम थी मैं यहाँ पे, तो ये एरिया थोड़ा सा अपना सा लग रहा था। तो वही हम पहुँच गए थे, यहाँ आने का रीज़न बस एक ही है कि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी एंड दादा ने बोला था कि यहाँ पे एक आंटी का शॉप है, स्टॉल है, जिसमें मोमो बहुत अच्छा मिलता है। तो एक छोटा सा है लेकिन लाइन लगा के लोग खड़े रहते एंड कसम से खा के बताती हूँ कैसा है। अभी हम लोग आए हैं मोमो खाने के लिए। अरे ऐसे करते हैं ब्लॉगिंग, क्यों बच्चा मत मत छोड़, हाँ चल रिया से तुम नहीं छोएगा, नहीं छोएगा आप, डोंट टच। तो मतलब दादा का जान पहचान था, चिकन मोमो अच्छा मिलता है तुम्हें, तो खाने के बाद रिव्यू करती हूँ आपको, क्योंकि ना भूख भी बहुत लगी थी एंड हम लोग उल्टा रास्ता आ गए इसमें खाने के लिए, जाना था इतना का आगे ना लगे। देखिए खा को बेटा मोमो, रिया क्या खा रहा है, वही अंदर रखो। मस्त बहुत अच्छी कसम से। तो और एक प्लेट मोमो, और एक प्लेट मोमो, यहाँ आदमी का थोड़ा ठंडा कर दिए, भाभी लोग वहाँ पे बैठे हैं, सूप ऐसे मिल गए। कभी कभी सेम मैसेज होता है, तो हम लोग एक प्लेट ले लिए, खा लिए हम लोग ने मोमो। कितना कितना प्लेट खाया अभी? नहीं, चार। वैसे तो ना एक प्लेट में 10 मिलता है, लेकिन इतने छोटे इतने पतले मुंह में डालते गायब एंड एकदम शाम का टाइम था, हम लोग ने लंच थोड़ा जल्दी किया था ना, 12:30 करीब किया था, तो इसलिए ना ऐसा खाया। चार प्लेट में एक प्लेट सर अद्दी ने खाया होगा एंड 1.5 प्लेट इसने खाया है, तो बाकी तो हम लोग ने खा लिया, लेकिन भाई अभी कुछ काम से गया हुआ है तो अभी उसको वेट कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं सामने लोकल मार्केट, फिर जब भाई आएगा तो फिर हम आगे ईटानगर की तरफ चले जाएंगे। नाना कहते कहते हमारा शॉपिंग भी थोड़ा सा हो गया। अभी हम पहुंच गए थे ईटानगर एंड ईटानगर पहुंचने के बाद हम लोग ने यहाँ से ली मिठाइयाँ, क्योंकि किसी के घर खाली नहीं जाना चाहिए। तो मिठाई लेके हम घर गए, घर जाते ही बहन ने गर्मा गर्म चाय पिलाया जो कि बहुत मस्त निर्दय था एंड यहाँ पे विवेक है जो कि दीदी का बीच वाला बेटा है, दीदी के 3 बेटे हैं उसमें से बीच वाला ये है एंड ये है जीजा जी जिनके घर पर हम आए हैं एंड यहाँ है दी। किसी को हायर करना है शादी वादी के लिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। वाह वाह, रॉकस्टार बैंड किसी को चाहिए तो शादी के लिए, वो पीछे कैटरिंग का लोग भी है, दो वो तो कैटरिंग का है ना, बजाने का है। ये ऐसे देखो भाई, ये बजाए अदी, क्या खा को क्या खाया है, मिठाई रात
वीडियो में कौन सुनो ना, वीडियो में कौन कैसे चावल है वो भी आएगा। सो आपने देख ही लिया कि हम सब यहाँ पे सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। एंड आज का दिन आए, जब हम आए ना तो मैंने ज़्यादा वीडियो यहाँ पे नहीं किया, सब लोग अपने अपने थे, कोई जीजू से बात कर रहे थे, कोई दीदी से रूम में घुस के बात कर रहे थे, कोई बच्चों से बात कर रहे थे। एंड मैं यहाँ पे कैमरा से बच्चे लोग को टीस भी कर रहे थे, वो लोग थोड़ा शर्म भी कर रहे थे, बाकी छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ऐसा करके ही बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा। यहाँ पे है पनीर, तामा का चटनी, ये है मेरे बदबस बच्चा है नाम मामा है ना नाम, जा खेलने जा। और किस ना, अरे खाना खा लिया भांजा को देखो तो थोड़ा। तो सब लोग यहाँ पे मिलके खाना खा रहे हैं। फर्स्ट टिप लड़कों को दे दिया, सेकंड मैं दीदी एंड भाभी बैठेंगे। तो बहुत अच्छा खाना बनाया था वैसे, मैं अभी बता दूँ। इसके बाद खाना खाने के बाद हम सब लोग थोड़ा देर बाहर पे हम लोग रुके, मतलब हवा खा के, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा हवा आ रहा था एंड अच्छा फ्रेश फ्रेश सा फील भी हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही खा भी लिया था। तो थोड़ी देर बाहर पे हम लोग रुके। एंड ये जो आपको टर्निंग दिख रहा है ना, ये है बैंक तिनाली। अगर ईटानगर कोई आए हैं तो उनको उनको पता होगा, यहाँ पे है ट्रेजरी ऑफिस, इसके जस्ट पास में है पोस्ट ऑफिस। तो ये लोकेशन बहुत ही प्राइम है, बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है, अच्छा है, मतलब इतना ढूंढना वूंढना नहीं पड़ता है। एंड देखो शाम का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, मतलब फोटो में तो इतना अच्छा से नहीं आपको पता चला होगा, ऐसा लाइवली जब मैं अपने आंखों से देख रही थी तो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड खाना वाना खाने के बाद हम नीचे आए। आने के बाद मेरे भाई के साथ बैठ के, मैं उसका वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है तो उसके साथ बैठ के थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। पियानो बजाए वाला पूरा कैप्चर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कॉपीराइट लग चुका है एंड और नहीं लगाना चाहती, मेल के ऊपर मेल आ रहा है। सो ऐसे ही गया हमारा आज का दिन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। कल मैं मिलवाती हूँ मेरे दीदी एंड जीजू से आपको प्रॉपरली वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।